हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2023 के सी सेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि एबीसी और डीईएफ दोनों ही तीन अंकों की संख्याएं हैं, इसी प्रकार की एबीसी डीई और एफ ये जो है ये भिन्न शून्येतर अंक हैं, राइट, मतलब शून्य नहीं है, शून्य से अलग है। इसी प्रकार की एबीसी प्लस डीईएफ बराबर कितना है 1111। तो ए बी सी इनको सबको जोड़ा गया है तो उसका मान क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हमें जो है ना इनमें से किसी एक को निकालना होगा, मान रखना होगा हमें अपने से। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी है, इसका मान हम मान लेते हैं कि 1 2 4 है, राइट। ऐसे ही मान रखना पड़ेगा हमको, देखना पड़ेगा। तो ए बी सी का मान दिया है 1 2 4, ऐसा हम मान रहे हैं। तो अब हमें डी ई एफ निकालना है, तो 1111 से हमें 124 को घटाना पड़ेगा। तो 1111 से 124 को जब हम घटाते हैं कितना आएगा, ये हो गया 11 में 4 गया तो 7, फिर 10 में 2 गया तो 8, 10 में 1 गया तो 9। ये हमारा डी ई एफ का मान है, डी ई एफ इज इक्वल टू 987, राइट। अब क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका मान पूछा है, तो इनको सबको हमें जोड़ना होगा, ये जो अंक है। तो हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 को जोड़ दिए तो 10, 8 और 2 को जोड़ दिए तो 10, प्लस 7 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11, राइट। तो कितना हुआ, 10, 10 20, 10 30 और 1 31। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।